नमस्कार दोस्तों, बना स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नरेश चौधरी। हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे यहां के बहुत बड़े संत श्री श्री एकाजरार श्री लहर भारती जी महाराज, जो बड़गांव सिरोही और बोरतड़ा मठ के मठाधीश हैं। गुरुजी सर्वसम्मति से अबुराज संत सेवा मंडल के अध्यक्ष पद पर विराजे हैं। सबसे पहले हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए हम बात करते हैं हमारे गुरुजी से। गुरुजी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। गुरुजी, आपकी तरफ से भक्तों को क्या संदेश है? श्री आबुराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। ऐसी बात है कि हमारा आबुराज संत सेवा मंडल जिला सिरोही संत महापुरुषों का एक संगठन है और उस संगठन में करीबन लंबे प्रयास से मेरा सेवा कार्य रहा है और हर संत के साथ मुझे सेवा करने का मौका मिला है। पुनः आबुराज संत सेवा मंडल जिला सिरोही के सभी महंत मठाधीश कुटीचरों का मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि मुझ पर विश्वास करते हुए आपने इस संस्था की सेवा के लिए मुझे दायित्व सौंपा है। मैं आप सभी संत महापुरुषों का बहुत बहुत आभारी हूं। विशेष करके ये संत महापुरुषों का देश है, ऋषियों का देश है और आबुराज संत सेवा मंडल के अंदर हम हर प्रकार से धर्म कार्य करते हैं और उस कार्य को अच्छी गति देना, संत महापुरुषों की सेवा करना, सुख दुख में संत के साथ में रहना, किसी भी स्थान कुटीचर हो तो वहाँ किसी प्रकार की समस्या है तो हमारा संपूर्ण साधु समाज मिल करके उसका समाधान करता है। और संत जीवन एक परोपकार में जीवन होता है, वृक्ष के रूप में। संत हर हमेशा देश धर्म राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछवार करते हैं। उसी परंपरा में हमारा भारत देश सर्वमय विकास और मानव को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज का समय बहुत विपदा के अंदर कोविड कोरोना के महामारी से जूझ रहा है। उस परेड में मैं संदेश देना चाहूँगा कि हमें इस समय का सामना करने के लिए तत्परता से पालन करते हुए हमने हमारे जीवन को स्वस्थ रखना चाहिए और देश को भी सहयोग करना चाहिए। इस महामारी से बचने के लिए हर प्रयासरत हमें रहना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए। विशेष करके आज का दिन योग दिवस है। योग दिवस के ऊपर मैं सभी भक्तों से संदेश देना चाहूँगा कि योग है, एक स्वस्थ शरीर को रखने के लिए हमें योग करना चाहिए। मानसिकता से, शारीरिक से, विचारों से, ध्यान से, जप से, तप से, योग करते हुए हमने हमारा जीवन पवित्रता के साथ में सुखद और संक्षिप्त में निरोग बनाए रखना चाहिए। ये योग परंपरा हमारे सदियों में ऋषियों की परंपरा है, लेकिन आज बड़े अभाग्य हैं कि जनता को भी इसका लाभ मिलता है और जनता इस लाभ से प्रभावित हैं। विशेष करके मेरे से पूर्व हमारे श्रीमान वीरमगिरि जी महाराज जागेश्वर महादेव दांतराय, जो कि उनका अकस्मात कारणवश परमात्मा को प्यारे हो गए, कैलाश धाम पहुँचे, सभी संतों ने निर्णय लिया कि भारती जी आप पहले भी मुख्य संरक्षक रहे हुए हैं और अध्यक्ष पद पर भी रहे हुए हैं, फिर हम सब संतजन आपको इस मंडल का कार्यभार सौंपना चाहते हैं, तो मुझे सब संतों का मान सम्मान रखते हुए मुझे स्वीकार करना पड़ा और मुझे जो सेवा सौंपी है मैं सभी संत महापुरुषों का ऋणी हूँ और उनके कार्य सेवा में यथा योग्य हर हमेशा तत्पर रहूँगा। इन्हीं वचनों के साथ सभी संत महापुरुषों के चरणों में ओम नमो नारायण और सभी भक्तों को सुमंगल कामना आशीर्वाद कि आप अपने जीवन में नशे पत्ते से दूर रह करके संस्कारित जीवन जिए, आध्यात्मिक बने, मातृभक्त बने, पितृभक्त बने और जीवन नीति से जी करके अपना घर गोकुल बनाए, गांव स्वर्ग बनाए और देश सुरक्षित रखे। इसी में हमारा भला, सबका भला, कर भला तो हो भला, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बोलो सदगुरु देव की जय, श्री आबुराज की जय, कृमेड किशोर महादेव की जय, समस्त भेख भगवान की जय हो। गुरुजी अभी आबुराज संत सेवा मंडल के अध्यक्ष पद पर विराजे हैं।
उससे पहले भी गुरुजी अबुराज संत सेवा मंडल के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। गुरुजी आपके पिछले कार्यकाल के बारे में भी आप थोड़ा बताइए। जिस प्रकार से मैंने समय व्यतीत किया उस सत्कर्मों का तो मुझे प्रतिफल मिला है। सब संतों ने निर्णय लिया और सब संत महापुरुषों के दिल में मेरा सभी संतों के चरणों में और सभी संतों का विश्वास जीतने का ये मौका मिला। जो पिछला कार्यक्रम मेरे लिए सराहनीय रहा, सुखद रहा और इन्हीं सेवाओं के साथ में सभी संत महापुरुषों ने निर्णय लिया कि इस मंडल की संस्थान की भागडोर भारती जी को सौंपी जाए। ऐसा सब संतों ने निर्णय लिया, ये मेरे शुभ कर्मों का प्रतिफल है और सब संतों के दिल में दिल जीतने का जो मुझे सुअवसर सेवा का मिला है यही प्रतिफल है। ये मेरा पिछला कार्यक्रम सुशोभित रहेगा। गुरु मेढकेश्वर महादेव एक अति प्राचीन धाम है और वहाँ हजारों वर्षों का और सदियों का पुराना प्राचीन स्थल है। वह कुछ समय सन 1983-84 के अंदर गुरुजी मैन श्री 1008 ब्रह्मलीन गुरुदेव करण भारती जी महाराज ने तपस्या की, तपस्थली बनाई और गुरुजी ने वहाँ बहुत सारा भोग दिया, उस आश्रम को जागृत किया। गुरुजी ने आश्रम जागृत करने में बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई, कठिन तपस्या की, उपवास किया और स्थान को चार चांद लगाने में मैन श्री गुरुदेव 1008 करण भारती जी महाराज साहब, उनकी शिष्या साध्वी भाई श्री कमला भारती जी महाराज, गुरु शिष्या ने साथ मिल करके उस स्थान को विकसित किया। सन 2004 से गुरुदेव लोक होने के बाद, देवलोक गमन के बाद मुझदास लहर भारती को सेवा का वहाँ कार्यभार समग्र 36 कौम जनता ने और सेवकों ने संभलवाया। तो गुरुजी के वचन अनुसार जो भी कार्य हुआ, गुरुजी का भाव था, श्रद्धा थी, आस्था थी, उसके अनुरूप सीढ़ियाँ बनवाई। गुरुजी का मंदिर 2006 में प्रतिष्ठा हुई और यथा योग्य सौंदर्यकरण बनाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये गुरुदेव मैन श्री 1008 करण भारती बाजी का मुझ पर आशीर्वाद रहा और सब जनता का साथ रहा, सब भक्तों का प्रेम रहा। उसी प्रकार से मैंने उस स्थान को विकसित किया, सौंदर्यकरण बनाया और प्रफुल्लित और प्रभावित स्थान का एक आकर्षित जगह बनी। उसके लिए मैं गुरुदेव करण भारती जी का बहुत बहुत ऋणी हूँ, उनका मुझ पर बहुत आशीर्वाद रहा। बोलो मेढकेश्वर महादेव की जय हो। सिरोही मठ है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, ताकि यहाँ से सिरोही मठ है वो थोड़ी दूर है तो यहाँ के जो भक्त हैं उन सभी को सिरोही मठ के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिले। अच्छा, सिरोही सिटी में रेवानाथ दशनाम जोना अखाड़ा आया हुआ है और जहाँ गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेवों ने और समस्त साधु संतों ने मुझे वहाँ का सेवा कार्य सन 1986 में मैंने वहाँ आसन ग्रहण किया था और उस टाइम मैं नाबालिग रूप में था और गुरु के आशीर्वाद से वहाँ रह करके परिश्रम मेहनत करके उस आश्रम को विकसित किया, साधु संतों की सेवा का सौंदर्यकरण स्थल बना और आज आने वाले साधु संतों को वहाँ सेवा होती है, भक्तों का मन खुश प्रफुल्लित होता है और प्रतिदिन मर्यादित रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती है और हर व्यक्ति आने वाला वहाँ सुखद महसूस करता है। यही मेरा वहाँ की प्रतिफल रहेगा और यही श्रम मेरे लिए भाग्य माना जाएगा। और सिरोही सिटी के अंदर अति प्राचीन रेवेश्वर महादेव रेवानाथ गिरजी महाराज ने वह जीवित समाधि ली थी, दशनाम जोना अखाड़ा के नाम से पहचाना जाता है और बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ के भी मुझे सेवा करने का मौका मिला, अपने आप में मैं बहुत सुनसीब हूँ जो मुझे इतनी धर्म की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जय शंकर, हर हर महादेव। श्री आबूराज की जय हो, शारणेश्वर महादेव की जय हो, गुरु मेढकेश्वर महादेव की जय हो, गुरुकरण भारती जी महाराज की जय हो और समस्त संत महापुरुषों की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।